हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, अगेन मैं आपके लिए एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और बहुत टाइम से मेकअप लुक नहीं शेयर किया था। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश से, और यहाँ पे मैंने चेंज भी कर लिया है एंड फेस वॉश हो गया है। उसके बाद लॉरियल का ये 20+ एंटी एजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। गाइज़, अगर आप 20+ हैं एंड आपको भी रिंकल्स वाली प्रॉब्लम है या कोई भी एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट मैं इनसाइड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारा मेकअप बेस काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस बनेगा एंड स्मूथ बनेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे टेक्सचर को एकदम सेम कर देता है ऑल ओवर फेस पर, कोई भी ओपन पोर्स नहीं छोड़ता है, फिल इन हो जाता है अच्छे से ओपन पोर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लाइट, समर्स है इसीलिए लाइट मेकअप करने के लिए यहाँ पर मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये है ब्लू हेवन का बीबी क्रीम और इसमें मेरा शेड है ब्लश। सो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ। बट गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से बेटर ये हमारे हैंड से अप्लाई हो जाता है, सो आप हैंड से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, ये जो बीबी क्रीम है ये एकदम लाइट कवरेज प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको पिगमेंटेशन और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन इश्यूज़ नहीं है, देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर और इसे अपने अंडर आई एरियाज़ पर और थोड़ी सी पिगमेंटेशन वाले एरियाज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और गाइस, समर्स में आप लाइट बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं एंड कंसीलर से अपने डार्क एरियाज़ को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनसाइड का लूज़ पाउडर लेकर अपने कंसीलर वाले एरिया को सेट करूँगी एंड देन हम आई मेकअप करने वाले। आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सटल होने वाला है हमारा। सो आई मेकअप से पहले मैं यहाँ पे आईब्रोज फिल इन करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे HR की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और प्रोडक्ट से ड्रॉ करने के बाद स्पूली से इसे स्प्रेड करेंगे। तो गाइस, आप भी अगर अभी तक आईब्रो इससे ड्रॉ नहीं करते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ये बेस्ट लगने वाला है। फिर आप आईब्रो पेंसिल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। पहले मैं भी आईब्रो पेंसिल यूज़ करती थी, बट अभी जब से मैंने ये यूज़ किया तब से नहीं करती हूँ। नेक्स्ट आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मॉर्फी की पैलेट से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। सो इस तरह से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की टिप में कलर पिक किया है एंड अप्लाई कर रही हूँ अपनी आइस पर। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा इसे ब्लेंड करेंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसे अप्लाई करने में कलर। सो मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट हम पिंक शेड अगेन लेंगे और ये शिमरी पिंक शेड है एंड इससे भी मैंने सेम अप्लाई किया है, बट मैंने इसे आइस के इनर कॉर्नर में अप्लाई किया है। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। एंड अगेन इसे भी मैं छोटे से ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। सो गाइज, आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था मेरा। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लिया इसे। नेक्स्ट मैं लूज़ पाउडर जो सेटिंग के लिए अप्लाई किया था ना, उसे रिमूव कर रही हूँ। और गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं शॉर्ट्स बनाकर आपको मेकअप लुक्स प्रोवाइड करूँ या फिर लॉन्ग वीडियोज़ में। सो मैं आपके अकॉर्डिंग ही करूँगी, प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। वैसे मैं जनरली मस्कारा नहीं यूज़ करती हूँ, बट इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है। और गाइज, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर लेकर अपनी आईज पर एज आई लाइनर अप्लाई करूँगी और इससे एक स्मजी सा लुक मिलता है हमारे आई लाइनर को। सो मैं सिंपली अप्लाई करूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आएगा, एकदम प्रॉपर आई लाइनर। थोड़ा सा ये ना स्मज किया हुआ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है इस टाइप के मेकअप पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने नहीं की थी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपको कॉन्ट्यूरिंग पसंद है तो कॉन्ट्यूरिंग भी कर सकते हैं। सो मैं पे पाउडर कॉन्टूरिंग यूज़ कर रही हूँ एंड इसे भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा अपनी नोज़ पर ब्लेंड किया है। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं पिंक शेड का ब्लश ही अप्लाई कर रही हूँ और नेक्स्ट हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। सो आज मैं यहाँ पे इस लुक को कंप्लीट करने के लिए कॉपर शेड का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस, ये वाला हाइलाइटर मेरे पास रखा हुआ था बट मुझे याद नहीं था। सो अभी मुझे ये मिल गया था, सो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा मतलब ड्यूई बहुत अच्छा लुक आएगा कॉपर शेड का। सो आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पॉपेक्सो की ये पिंक शेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस, सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं ये ग्लैम 21 का लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ अपनी लिपस्टिक के ऊपर। और गाइस, लिप
ग्लॉस बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बह जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है एंड दैट्स माय फाइनल लुक। सो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आपके लिए इजी रहा होगा। इजी रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो वीडियो को एंजॉय कीजिए। लगती कमाल वो किथे चली जांदी है, वो किथे चली जांदी है, तैनू पुछना है कोई सवाल, वो दस दे खवारिया है किसे दे तू नाल, क्यों दूरो दूरो जानी है, जान कट जानी है।